अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो यार अभी जिससे हम नमाज के लिए जा रहे थे, उजाफा ने व्लॉग एंड किया था मेरा, आज उसका मूड ऑफ है तो मैं आज नहीं कर पा रहा था। और एक हमें आज यूनिक चीज़ देखने को मिली यार, क्योंकि ये देखें आसमान एक अजीब सा कलर हुआ हुआ है। लाइक अभी मगरब का टाइम है तो पूरे आसमान पे इस साइड जो है वो इस तरह यानी अजीब का रंग हुआ है, उस साइड मगरिब हो चुकी है, उस साइड रात भी हो चुकी है। उस साइड तो ठीक है बट ये थोड़ा सा यूनिक चीज है। सूरज यहाँ से ग्रूव होता है ना, तो इसकी वजह से ना थोड़े से बादल हैं, तो बट आज ये थोड़ा सा यूनिक मतलब ना अजीब सा लग रहा है। लाइक येलो येलो रोशनी सारी आ रही है तो थोड़ा सा ना डर भी लग रहा है। बिका डर तो नहीं है, अल्लाह ताला जब चाहे कर सकते हैं, बट आज दसवीं मुहर्रम है ना, आज दसवीं मुहर्रम की शाम है। तो बाय द वे अभी नमाज पढ़ने चलते हैं, तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा ना बहुत होता है कभी कभी ऐसे ऐसे मैंने कभी नहीं देखा यार इस टाइम पे। अभी तो फिर मैंने जब कैमरा उठाया उससे पहले तो लगता था कि अभी सूरज निकलने वाला है, इस तरह का लग रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। तो अभी चलते हैं नमाज के लिए। तो गाइज यार अभी हम मुड़ चुके हैं, हमारे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ज़ैफा उसकी जो है ना, अभी यार गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम ना थोड़े से हालात बिगड़े हुए हैं। तो ये रहा वाटर कूलर। और आज जो है ना ग्यारह मुहर्रम है तो यहाँ पे अजीब ही एक सिस्टम होता है, पता नहीं रवाज है या मन्नत है कोई पता नहीं। जो है ना गाँव की औरतों को प्याले दिए जाते हैं, मीन्स प्यालों के अंदर खीर दी जाती है। तो चले आप दिखाते हैं, ये खीर भी रेडी है। तो गाइस ये रही वो खीर जो बन रही है, यही पता नहीं 11 होते हैं 12 होते हैं प्याले उतनी दी जाती है। ये कोई अजीब ही सिस्टम है यार पता नहीं। तो अभी सारी औरतें आएंगी जब ये बन जाएगी तो फिर तो मैं जाऊंगा सबको बुला के लाऊंगा। तो हाँ तुम्हारे काम है, तुम वेटर जो हमारे समझ रहे हो ना। तो इसमें चीनी वगैरह ये घर की होती है, चावलों से बनती है खीर। तो अभी यार वो प्याले मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहे वो प्याले, पता नहीं ये अजीब ही सीन है। अगर यहाँ से कोई ले भी जाता है तो उसको अगले साल उस बंदे को 11 प्याले देने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये खाता हूँ, ये उठा के मैं घर ले जाता हूँ, तो जो अगले साल मैं खुद अपने 11 प्याले इकट्ठे करके डिफरेंट लोगों को दूंगा। तो यार ये एक अजीब ही सीन है, मोम से पूछते हैं फिर आपको बताएंगे। तो गाइस अभी उसी के लिए काम आया है, ये जो है ना बादाम इसने छीलने हैं, इनकी गिरियाँ निकालनी है और फिर ये काम किया कर। तो मैंने मोम से पूछा है यार ये, हाँ तो गाइस अगर ये कोई प्याला लेके जाता है वो कोई मन्नत मांगता है, अगर उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो हर साल जो है ना ये प्याले देगा, मीन्स खीर बना के सबको डिवाइड करेगा। यार ये कोई अजीब ही सीन है पता नहीं। तो यार व्हाट्सअप गाइस अभी ना मोम कह रही हैं कि जाओ और इनको बुला के ले आए और फिर ये प्याले वगैरह देंगे। बाय द वे लाइट यार बहुत इशू कर रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जो लाइट आ रही है वो 100 इनपुट की आ रही है। A few moments later. तो यार अभी सब खा के चले गए हैं तो अभी जो है ना हम ट्राई करेंगे और ये पहले इसको धोएंगे। ये पहला रख चुके हैं और जो है ना खीर जो थी वो बची है इतनी सी, बहुत है, इनाफ है अभी और लोगों को भी, मतलब ये घर पे खुद ही थोड़ा बहुत खाएंगे। तो लेट्स सी। तो गाइस अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ खीर, तो लेट्स सी। मैं बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह। तो गाइस अभी मैं अपने रूम में आया तो मैंने देखा कि ये देखें इसके काम, ये कौन सा स्टाइल है वैसे, मुझे समझ नहीं आई वैसे। Okay. तो गाइस अभी हम थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, लाइट बार बार जा रही है तो और कुत्तों का ये काम नहीं था तो सोचा कि आज होममेड गोला बनाया जाए। ये रही बर्फ, तो गाइस वो जो उसी ने बनाया था वो तो जस्ट पता नहीं क्या सोच के बनाया था बड़बड़। बाय द वे यार हमारे पास एक प्लान आया, ये वो रहा जिससे हम कद्दू वगैरह कश करते हैं।
और एक ये चीज़ है। तो अभी हम इससे अभी हम क्या कहेंगे कि इससे बर्फ़ को बिल्कुल बारीक बारीक किया जाए और दम श्री बाट के डाल के फिर खा जाए। A few moments later. तो गाइस फाइनली बर्फ थोड़ी बहुत तो आप लोग देख सकते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक हमने बर्फ जो है इकट्ठी कर ली है। तो बाय द वे ये रहा हमारे पास ये पैकेट मिलते हैं कुल्फे का, और इसमें जो है ना ये मिलते हैं मीन्स इसका सांचे वगैरह मिलते हैं। अभी जो बर्फ बनती है साथ सांचे में डालते हैं, लेट्स सी क्या होता है, बन पाते हैं या नहीं बन पाते। बाय द वे हमारे पास वो स्टिक्स तो नहीं है, चम्मच वगैरह इस तरह कुछ चीज़ लगा ले। तो गाइज फाइनली यार एक तो हमने बना लिया है, ये देख सकते हैं मतलब सही बना है, लेकिन ये पिघल रहा है ना कुछ, वो मतलब मौसम भी इस तरह का गर्मी वाला चल रहा है। घुमा 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 इसको, घुमाना नहीं है गिरेगा नीचे की देख नीचे। गाइस जब मैं इसको ट्राई करता हूँ मजेदार। मजेदार बाय द वे बहुत मजे का है यार, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अभी हम और बनाते हैं और घर वालों को भी सर्व करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताता, मैं किचन में गया था ना और मैंने एक चीज देखी बच्चों को देखने के लिए, मैंने अभी चलते हैं आप दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ना शौक पूरे करने के बाद ऐसा हाल होता है। नाइस वर्क, आपने गंद किया हुआ है तो सफाई तो करनी पड़ेगी। नाइस वर्क कंटिन्यू। तो गाइस अभी नमाज का टाइम हो चुका है, बट मैं एक बंदे का काम दिखाता हूँ। मैं तो जा रहा था नमाज के लिए, बट एक बंदे का काम दिखाता हूँ। हाँ जी काम कर रहे हो, कपड़े खुद प्रेस कर रहे हो, फिर हैं करो करो शाबाश, जल्दी आओ नमाज के लिए ठीक है। कल सुने बीमार हो गए थे वे, पेट खराब हो गया था, हैं उल्टियां लगी थी। तो गाइस यार ये जो है ना ये कल खा के क्या है नूडल्स, और इसके बुरे हाल हुए हैं, उल्टियां वगैरह करता है। तो यार मैं इस चीज़ की बात करता ये शुक्र है कि यहीं पे कट जाए यार, कट रही है। तो गाइस अभी जो है भाई गए थे नमाज पढ़ने, वो अभी छत पर हैं, तो मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ यार, कसम से इतनी गर्मी थी, अभी मुझे पसीना आ गया। वो ये है उनका पर्सनल यानी कि खुफिया जब या बोले परफ्यूम, उस रोज़ ना जुमे वाले दिन इन्होंने ना फिर छुपा दिया था, मैंने फिर लगाया था ना, तो एवं बस मैं जा रहा था, तो मैंने जहाँ भी जाता था नमाज पढ़ने फजर की नहीं सॉरी मगरब की एक बार मैंने पढ़ी, तो उस टाइम लगाया तो उनको खुशबू आ गई, तो उन्होंने बोला मेरा परफ्यूम लगाया, मैंने बोला हाँ, तो कहते हैं छुपाते हैं, उसके बाद नहीं छुपाया था, तो उससे अगले रोज़ मैंने असर के टाइम लगाया था, एवं बस मुझे दिल कर रहा था ज़ाया करने लगा, तो अभी ये परफ्यूम ज़ाया करूँगा सही ज़ाया। तो गाइस यार फाइनली वी आर, मैं किचन में आया हूँ चाय शाय बनाने के लिए, ये रहा ऑयल और ये रहा दूध, तो इस पर बनाता हूँ चाय और फिर चलता हूँ छत पे। तो गाइस अभी मैं छत पे आया हूँ और ये रही मेरी चाय, ये रहा मेरे चिप्स। तो बाय द वे यार कुछ लोग पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे आप लोग चाय कैसे पी लेते हो यार, मतलब आप अगर विलेजर हो तो चाय ना हो आपकी लाइफ में ये तो हो नहीं सकता है यार, चाय तो मस्ट है हमारी लाइफ में। तो अभी तो चाय पीता हूँ और इन्जॉय करते हैं। बाय द वे मौसम जो है ना बहुत बहुत हॉटेस्ट है यार। तो गाइस बहुत बहुत कमीने देखे हैं, बाय द वे भी मैं नमाज पढ़ के आया हूँ और ये अजान हो रही थी और ये कमीने ये ना इसको बचा रहे थे, इनको ज़रा भी शर्म है ही नहीं। मैं ये नमाज पढ़ के आ चुका हूं ना, अभी मैं इसको आपके सामने ये देखें तोड़ रहा हूँ, अभी अंदा के बाद ये बजाएगा भी नहीं। अभी देखो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इन कमीनों का काम देखो, अभी ये लग भी नहीं सकता है और इन तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, तुम छोटे हो। नमाज पढ़ चुके हैं सारे। तो यार बाय द वे अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, मुझे बहुत गुस्सा था इस पे, लेकिन ये ना अच्छा
यार ये मेरे साथ फाइट कर रहा है। फिर अभी हम यहाँ पे टहलते हैं। तो फाइनली यार लाइट आ चुकी है, मैं और उज़ैफा जो है ना अगले कुछ चैलेंज सोच रहे थे, बिकॉज हम दोनों ही जो है ना गेमिंग लवर हैं, तो हमारा जो कंटेंट होगा आगे आने वाले चैलेंज जो होंगे वो कुछ गेम के रिलेटेड होंगे, यानी हम कोई भी गेम खेल सकते हैं लाइक पबजी, सबवे सफर, ETC लाइक दैट। तो बट अभी जो है ना मेरा और ज़ैफ़ा प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मेरा स्कोर देखिए और ज़ैफ़ा का देखिए। इट्स माय एंड इट्स मोहम्मद ज़ोहेब्स स्कोर। तो यार 8 बॉल पूल में ये इसके 4 है और मेरा 1 है, तो लेट्स सी आने वाले व्लॉग में और प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज 5-8 बॉल पूल्स हम खेलेंगे एक व्लॉग में और फिर उसके अंदर देखेंगे। पांच खेलेंगे, 5 उसमें हम काट दिया करेंगे ना, बस एंड रिजल्ट दिखाया करेंगे। तो यार अभी चलते हैं, लाइट आ गई है, अभी चलते हैं नीचे। तो गाइस यार अभी जस्ट 20% हुई है, अगेन इंटरनेट इशू आ चुका है हमारे घर में। तो यार कर तो कुछ नहीं सकते हैं, अभी कज़न को बोला हुआ वो भी रिप्लाई नहीं करता है, PDCL को भी कॉल करके थक गया हूँ। तो अल्लाह पे ही भरोसा है, जब होगा होना होगा तो ठीक हो जाएगा। लाइट वाले बहुत तंग कर रहे हैं, वरना ये कब की हो चुकी होती है अपलोड, मतलब मैं बार बार जा रही है आ रही है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वाईफाई चलता भी नहीं है फिर उस तरह से अगर बार बार लाइट आ जाए तो। तो यार इस व्लॉग में यही पेंट करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।